दोस्तों, मैं हूँ मोनी अमित। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। मोनी की रसोई में सब कुछ होता है। मेरा एक ही चैनल है और मेरे चैनल में सब कुछ होता है। आज आपको देखने को मिलेगा कि मैं मैगी बनाती कैसी हूँ। मेरा मैगी कुछ अलग तरीके से होता है और इसमें सामान भी कुछ अलग तरीके से मैं डालने वाली हूँ। आप देख लीजिए, ये है प्याज, करीब आधे प्याज है, क्योंकि मैं सिर्फ एक लोगों के लिए ही बना रही हूँ। दो लोग भी खा सकते हैं, पर आपके अगर ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है तो आप सामान को ज़्यादा कर सकते हैं। ये है प्याज, ये है पनीर छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए, मैंने थोड़े से पनीर लिए हैं। ये है सोयाबीन, ये है टमाटर, ये है गार्लिक, ये एक चम्मच दही, ये अदरक, एक हरी मिर्च और ये है मैगी, जो सिर्फ एक पैकेट है, मैंने उबाल के रख लिए हैं। इसके अलावा अब आप देख सकते हैं कि मैं इसे बनाती कैसे। ये मैंने डाल दिया है ऑयल, मैं सरसों के ऑयल में बनाती हूँ, मुझे सरसों के ऑयल ही पसंद है। आप रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, जैसा कि आपको अच्छा लगे। तेल गर्म हो गया है, अब हम डालने जा रहे हैं इसमें जीरा, करीब एक चुटकी। मैं थोड़े बस एक पैकेट ही मैगी बना रही हूँ एक से दो लोगों के लिए, इसलिए मैं कम यूज कर रही हूँ सामान का। आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अब मैं डालूँगी हरी मिर्च, अब मैं डालूँगी प्याज, इसे हम ब्राउन होने तक भून लेंगे। मुझे मैगी बहुत पसंद होता है, इसका वजह ये नहीं कि मैगी अच्छा होता है, मैगी जल्दी से बन जाता है। जब भी भूख लगे आप फटाफट बना लो और इसमें जो भी सब्जी आपको पसंद हो वो डाल सकते हो, इसलिए ये अच्छा होता है। मुझे पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे पास था भी, इसी वजह से मैं पनीर डाल रही हूँ, सोयाबीन डाल रही हूँ। आप शिमला मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी, जो भी आपको पसंद हो, मुझे ये सब पसंद नहीं है, इसी वजह से मैं सिर्फ पनीर और सोयाबीन ही डाल रही हूँ। पनीर में बहुत ज़्यादा प्याज को भुना नहीं जाता है, क्योंकि प्याज का भी अपना एक टेस्ट होता है, वो ख़त्म नहीं करना चाहिए। ये हो गया है सुनहरा, अब हम डाल देंगे पनीर। मैं अलग से नहीं फ्राई करती हूँ, प्याज के साथ पनीर को फ्राई कर लूँगी, क्योंकि मैगी झटपट बन जाता है, तो पनीर को अलग से फ्राई करके ऊपर से डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको शिमला मिर्च डालना है, गाजर डालना है, तो आप भी डाल सकते हो। मेरा कोई रसोई का घर नहीं है, पर मेरे चैनल में सब कुछ होता है, यही इम्पोर्टेंट है। मेरा जो मन होता है, आज मेरा मन था कि आपको मैगी की रेसिपी अपनी शेयर करूं कि मैं किस तरह से बनाती हूँ, तो बता रही हूँ। थोड़ा हेल्दी भी हो जाता है, करोना में घर से बाहर का खाने से तो अच्छा है कि घर पे ही बना कर खाया जाए। मुझे घर का ही पसंद है, इसलिए मैं घर पर ही बनाई। आप ये मैगी है पर आपको चाउमिन जैसा भी टेस्ट कुछ नहीं मिल जाएगा। अगर मेरा ये रेसिपी आपको पसंद आएगा तो इसे लाइक कीजिएगा, अगर इसमें कुछ कमी आए तो कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल मोनी अमित को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं डालू सोयाबीन और उसको भी मिर्ची के साथ फ्राई कर, आप अलग से पनीर को सोयाबीन को फ्राई करके रख सकते हो और बाद में सब जब हो जाए मसाला आपका रेडी तो आप डाल सकते हो। फिर मैं गैस और टाइम दोनों को भी लगा सकती हूँ, इसीलिए मैं इसी के साथ ही इसे भून लेती हूँ और आपको ज़बरदस्त टेस्ट मिलेगा इसके साथ। क्या होता है ना कि हम एक अच्छा कुक
चाहिए जो गैस और टाइम और बचत करे, सबसे बेस्ट करके कुछ करना चाहिए। अब इसमें डालेंगे गार्लिक और यह जीरा, मतलब है अदरक, छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए, और लहसुन। आप इसे पेस्ट बना के भी डाल सकते हो, पर मुझे इसी तरह पसंद है इसी वजह से मैं डाल दूँ। इसका भी अलग टेस्ट आता है। अब इसमें मैं डालूँगी टमाटर, मैंने छोटे टमाटर कटे हुए डाले हैं। ग्रेवी में मैगी पसंद नहीं है क्योंकि मैं कुछ सब्जी नहीं बना रही। अब मैं डालूंगी इसमें एक चम्मच दही। अगर आपको दही नहीं पसंद तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं आप, एवरेस्ट का मसाला उसमें सब कुछ होता है, तो हमें अलग से और मसाले डालने की जरूरत नहीं है। वैसे तो मैगी में मसाला कम ही पड़ता है और मैगी मसाला साथ में मिलता भी है, पर मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है। अब मैं डालूँगी थोड़ी सी हल्दी, बस एक चुटकी से भी कम, ये आप देख सकते हो। और साथ में डाल दूँगी अपनी इडली में मैगी, मैंने पहले से डाल करके रखी थी। और इसके साथ जाएगा थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, मुझे नमक कम ही पसंद है। पसंद है तो आप डालिए डाल, जो भी डालना हो डालिए, जो पसंद है पसंद है। और आप ऊपर से डाल दीजिए धनिया का पत्ता। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, इस तरह से मैगी बना के बहुत ही अच्छा लगता है। और ये हेल्दी भी है, सोयाबीन में बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है, पनीर में आपको पता ही है, तो ऐसा होना चाहिए उसमें हेल्थ भी हो। हमारा मैगी बन के तैयार है, आप इसे फटाफट प्लेट में निकालिए और ये पास धनिया की पत्ती नहीं है तो मैं नहीं डाल रही। आप इसके ऊपर टमाटो केचप भी डाल के सर्व कर सकते हैं, या धनिया की पत्ती अच्छी लगी सॉस, जो भी आपको पसंद हो। ये हमारी मैगी हो गई है रेडी और इसे हम डालेंगे प्लेट में। ये देखिए, ये हमारी मैगी बनके हो गई है बिल्कुल रेडी। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल मोनी अमित को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसमें आपको और भी अच्छे अच्छे हेल्दी फूड देखने को मिलेंगे। कोरोना में घर में ही रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे अच्छे रेसिपी बनाकर घर में ही खाइए। नमस्कार दोस्तों।